तो कैसे हो सब लोग। तो आज संडे था इसके लिए हम कैंप रिवरेज पैराडाइज रिसॉर्ट को आए हैं। मतलब इधर ही सब खाना पीना इधर ही खाएंगे। तो खाने के लिए स्पेशल स्पेशल लंच बोला है। मतलब स्पेशल ऐसा को नहीं, जैसे कि लोकल जैसा रहता है ना, तो पेज बोलते हैं कोंकणी में, उसको पेज बोलते हैं पेज। और जो मैकरल रहता है ना बांगड़ा, उसको मतलब लोकल में कैसे बोलते हैं इसको, किसमोरी करके, तो वो है। फिर वो जो सी क्लैम्स रहता है ना, उसको कोंकणी में एक शिपी बोलते हैं, वो भी है। फिर और ड्राई मैकरल है वो सेम बांगड़ा। तो वो सब वैरायटी बना के लंच को हम लंच मतलब वो खाएंगे। उसके बाद डिनर को, डिनर का प्रोग्राम भी अलग है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि शाम के वक्त है ना, वो जो नेट भी रहता है ना फिश पकड़ने के लिए, वो पकड़ने जाएंगे 5 बजे के करीब। उसके बाद जो भी फिश मिलेगा, अगर मिला तो, वो क्या करेंगे, उसको पकड़ के क्लीन करके फिर लोकल स्टाइल में करी बनाएंगे। तो ये सब पूरा आज प्लान है, देखेंगे कैसे चलता है क्या। अभी फ़िलहाल के लिए हम कैंप रिवरेज पैराडाइज रिसॉर्ट के उधर है। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे रेस्टोरेंट, और मतलब बहुत कुछ है, जैसे कि टेंट्स है, और ये उनका बोट रूम है। मैं इस वीडियो में पूरा डाल दूंगा, मतलब थोड़ा सिनेमैटिक व्यू करके वीडियो सब डाल दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सब प्लान है। होप मज़ा करेंगे आज के दिन संडे के लिए, और आप भी मतलब देख सको कि लोकल की तरह कैसे फूड हम बनाएंगे और क्या खाएंगे वो सब। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू। मारे आमच्याकडे घराकडे ते साईडिंग घेतलं होतं ने मोरी आनी आनी ना दोनों तो सर शंबर सुंगट मटे फ्रेश उसका नहीं हुई दिस्ता कंचे सुंगट ही कर जाता फिर सो सु दर्शन तू तक तेल पड़े छोटी ते बारी का सामान मिक्स कर फ्राई करो ते फ्राई करो बरा ओके दीडशे रुपयाचे दीडशे पंधरा जाते आणि असं आहे थोडे एक प्लेट हां दोनशे रुपये कन घेऊ दोनशे रुपये आणि शंभर रुपये कर आणि 50 रुपये कन 200 रुपये कन दे गे वो नीतू कुछ निकाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं मतलब हमारे कोंकणी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। अभी मुझे याद है वही कोशिश कर रहे थे कि क्या बोलते हैं बोल के, तो बचपन में खा रहे थे वो सब, मुझे दिखा देते हैं मतलब क्या है एक्चुअली वो। और कोंकणी में भी नाम भूल गया उसका मैं। इसको क्या बोलते हैं
मतलब ये उनके डॉम टेंट्स है, वो सब मैं डॉम टेंट्स के अंदर कैसा मतलब कैसे बेडिंग करते हैं, कैसे कॉट सब, ये सब है, मैं बाद में वीडियो में डालूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसके बाद ये उनका कॉमन बाथरूम, मतलब वही अटैचमेंट, ये बीच शावर, और अंदर ये पाथवे है ना, ये अंदर डायरेक्ट जंगल की ओर जा रहा है। ज़रा अगर आप शांत रह के कुछ आवाज़ सुनोगे ना तो आपको सभी बर्ड्स की आवाज़ आएंगे, मतलब उतना क्लियर माइक्रोफोन नहीं है लेकिन आप थोड़ी तक सुन सकते हो। देखो एक तरफ काली रिवर जो आप सामने देख रहे हो ना, वो काली रिवर है। अभी पानी इतना भर चुका है क्योंकि उतना ऊपर नहीं आता है, लेकिन ये अभी हाई टाइड है इसके लिए पानी उतना तक आ रहा है। बाद में शाम 4 बजे 5 बजे ऐसे कुछ लो टाइड हो जाएगा, तभी हम फिश पकड़ने जाएंगे। देखेंगे अभी इनका कॉटेज देखो, सराउंडिंग मैंग्रोव्स, ये पूरा मैंग्रोव्स है, देन ये कॉटेजेस है उनके। और ये जो ग्रीन कलर जो देख रहे हो ना, इसको कैनवास टेंट यानी मिलिट्री टेंट या कैनवास टेंट, नहीं नहीं ऊपर नहीं, उधर ही इधर ही नीचे बैठेंगे, वो पूछ रहा है ऐसे ही किधर बैठना है। और ये जो टेंट है ना, टेंट के लिए कॉमन बाथरूम है उनका, जो ईच टेंट के लिए एक एक बाथरूम सेपरेट, मतलब जैसे कि नंबर 1 टेंट पे कोई स्टे कर रहा है तो उसको नंबर 1 बाथरूम को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब बाथरूम के अंदर शावर, फिर वेस्टर्न कमोड, बेसिन, वो सब रहता है उसमें। और आगे जब अगर आप ये टेंट बुक करोगे दैन फ्रंट व्यू आपको रहेगा रिवर व्यू, जैसे कि काली रिवर, और ये जिप लाइन का स्ट्रक्चर है जो रिवर क्रॉसिंग रहता है इधर से उधर तक, ये वाला अच्छा है। देखो मतलब हसल एंड बसल लाइफ जो रहती है ना इस जो भी सिटी वालों की, तो इधर एक्चुअली मतलब पीस, और जो भी नेचर लवर रहते हैं ना, जो भी उनको इंटरेस्टेड है नेचर लवर या बर्ड वॉचिंग के लिए, या उनके लिए बेहतर जगह है ये। लंच रेडी हो गया है, अब लंच देखते हैं क्या है इसमें। इसको बोलते हैं, वो पेज बोला था मैंने, कोंकणी में पेज बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं। फिर इसको उसी क्लैम्स रहते हैं ना, उसको एक शिपी बोलते हैं कोंकणी में। देन इसको अगेन किसमोरी, मतलब मैकरल रहता है, उसमें ऑनियन स्मैश करके और थोड़ा वो कोकोनट का वो कट करके डाल देते हैं इसको। और एक कुछ ऑर्डर किया था वो आया नहीं, उसको पूछता हूँ मैं। Thank you.
करा ते करील तेनी तो लंच रेडी है, एक मिसिंग है आएगा उसके बाद और एक बार वीडियो बनाते हैं। बॉईल करने को अभी प्लान तो सेट हो चुका है, अभी ये कैनो लेके हम रिवर में जाएंगे और थोड़ा फिश कैचिंग की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन जस्ट ट्राई करेंगे हम। लाइफ जैकेट, दोनों लाइफ जैकेट ली है और फिर ये ओर्स ली है कैनो के लिए, पैडल्स, देन ये फिश नेट है, इसके अंदर फिश नेट है तो वो अभी तक नहीं निकाला इसको, तो इसको निकाल के सही से करना होगा। जो अंदर दिख रहा है ना नेट है वो, इसको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा इसको निकाल के फिर कैनो में रखने के बाद पानी में डालना है। पानी में डाल के थोड़ा एक आधा घंटा एक घंटा वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं भी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो अभी तो लोटेड है, मतलब पानी मतलब अंदर तक जा रहा है, देख रहे हो ना आप, ये तो लोटेड है, मतलब छः अभी करीब 5 बज चुके हैं इवनिंग के, तो 6, 6:30, 7 इतना तक हो जाएगा लोटेड, फुल लोटेड के लिए। फिर हम उधर नहीं तो इधर किधर नेट ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा ये करेंगे, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, बहुत पहले बचपन में करते थे स्कूल के टाइम में, जब कॉलेज के टाइम में तब जाते थे फ़न के लिए, तब उधर ऐसे इधर नेट डालेंगे, उसको वेट करेंगे एक घंटा तक करीब, तब तक के लिए हम थोड़ा सा और करेंगे उधर ही मैंग्रोव के उधर, देन 1 आवर के बाद पूरा नेट निकाल के फिर इधर ही क्लीन करेंगे। उसमें अगर कुछ मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं मिला तो भी एक कुछ एक्सपीरियंस रहेगा उतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। तो डाला हुआ है, आप उधर देख सकते हो, उधर वाइट कलर सा पॉइंट है ना, उधर से लेके स्ट्रेट इधर तक, उधर इधर है, हाँ उधर, तो इधर से स्ट्रेट इधर तक डाला है, मतलब करीब आधा घंटा तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा और आधा घंटा वेट करके निकाल के देखते हैं, अगर एटलीस्ट एक तो भी मिलेगा ना तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा फिर। और सामने ही सनसेट हो रहा है इधर, और कितना शांत है इधर, तो फाइनली क्या मिला देखो, 45 मिनट्स, क्या बोलते हैं इसको कोंकणी में, तो काफी बोलते हैं, और इंग्लिश में कुछ पॉनी फिश,
तो मिले हैं कुछ 7-8, उसको निकालते हैं। तो सब कुछ सही रहा, फिर हमने मतलब 7-8 मछलियाँ इतना ही पकड़ा और उसी को ये करने दिया, मतलब थोड़ा सा सूखा जैसा, उसका टेस्ट भी चेक कर लेते। लेकिन ये रात का नज़ारा है कैंप रिवरेज का पूरी, जैसे कि सुनसान जैसा। तो हम यहाँ से हम जो रह रहे हैं ना, जैसे जिसको बोलते हैं डॉम टेंट, तो डॉम टेंट में दिखाता हूँ कैसा रहता है, कि अंदर कैसा बेडिंग वेडिंग, मतलब डॉम टेंट का कैसा रहता है बोल के स्टे। तो ये है डॉम टेंट, जो लाइट ऑन है ना, यही डॉम टेंट है। तो इसको ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं कि बेडिंग जिप की तरह अभी ये देखिए डॉम टेंट, क्वीन साइज कॉट है और प्रॉपर बेडिंग है, ब्लैंकेट टॉवल्स, टेबल और फिर एक पैडल फैन। अच्छा है ना। तो मैंने इनसे पूछा था कि इनका प्राइस है 1500 प्लस 12% GST, उसमें ब्रेकफास्ट दिया जाता है। और भी इनके कई स्टेज है, वो भी मैं इसमें लिंक में डाल देता हूँ, मेरे इस वीडियो में लिंक करके डाल देता हूँ, आप चेक कर सकते हो उसको, मतलब स्टे वाइज उसका। ये तो डॉम टेंट है, डॉम टेंट होने के बाद मिलिट्री कैनवास हो तो रिवर साइड फेसिंग आते हैं, उसके बाद कॉटेजेस है, मैंने देखा है ना, उसके सारे डिटेल्स पूरा मतलब मैं इसमें ही लिंक में डाल देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप तो उस लिंक में जाकर क्लिक करके आप देख सकते हो मतलब उनकी वेबसाइट में क्या क्या प्राइस चल रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए स्टे का हो गया, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा डिनर का भी देख लेंगे। कैंप रिवरेज पैराडाइज रिसोर्ट में नाइट वॉक कर रहा हूँ मैं, ये डॉम टेंट से, डॉम टेंट से मैं रेस्टोरेंट की ओर जा रहा हूँ। तो अच्छा फील लग रहा है, मतलब काम एंड नेचर पीस। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम है कि हमने सदाशिवगढ़ से थोड़ी फिशेस लिए थे ना, जैसे कि थोड़ी शार्क ली थी, फिर प्राउंस ली थी। तो हमने क्या बनाया कि जो प्राउंस है ना, उसका एक मसाला फ्राई और उसके बाद वो प्राउंस का सूखा बनाया, फिर शार्क की लोकल टाइप ऑफ ग्रेवी बनाई, उसके साथ राइस खाएंगे। एंड देन वो जो हमने क्या फिश पकड़ा था ना छोटा वाला, मतलब 7-8 थे उसमें, तो उसको क्या करेंगे कि वो थोड़ा वो कोंकणी में क्या बोलते हैं, आंबर टिकट, मतलब सोर एंड स्पाइसी वैसा कुछ, तो वो भी बनाया है। लेकिन इतना कुछ है, अभी स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में दिखाएंगे भी मतलब क्या क्या टेस्ट है। तो एनी हाउ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इधर तीना सदाशिवगढ़ से, मतलब उसका करी बनाया है। तो अभी स्टार्टर के लिए खाएंगे इसको, और ये है मतलब मसाला फ्राई, और एक इसका सूखा भी बनाया है, उसको भी ले लेंगे हम। लेकिन एंजॉय करेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे फिर। कितना ब्यूटीफुल है ना सनराइज जो हो रहा है। अभी टाइम बज रहा है कितने बजे, 8:15 है। और कल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, हम कैनोइंग पे गए, फिर कास्टिंग किया, फिश कास्टिंग किया, फिर थोड़े बहुत फिश मिले उसको डिनर पे पकाया, फिर लंच भी बहुत ही ऑथेंटिक था, कारवार वालों के लिए, या जो भी कोंकण रीजन है ना, कोस्टल रीजन, उनको मालूम है पेज बोल के क्या बोलते हैं बोल के। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमने बहुत ही इंजॉय किया। और संडे का रात का डॉम स्टे वाइज, डिनर वाइज, लंच वाइज, एक्टिविटी वाइज, प्लेस वाइज,
सब कुछ अच्छा रहा, 100% ही अच्छा रहा। और स्टे वाइज, डॉर्म टेंट का स्टे वाइज भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो एनी हाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ अच्छी जगह एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बनाने की कोशिश करूँगा मैं वीडियो के द्वारा, और फूड के द्वारा, फूड में भी थोड़ा कुछ लोकल ऐसा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।